एक्सरसाइज में लाए हैं आपके लिए लिविंग हैप्पीली की एक्सरसाइज एकेडमी में, जो कि हमारे कोर पर टारगेटेड है और इसका नाम है हॉलो होल्ड जैक नाइफ। जैक नाइफ की हमने कई वीडियो बनाया है, तो आइए हम सीधा करने को आ जाते हैं अपने मैट पर। इसके लिए हम सीधा लेट जाएंगे, इस तरह से सांसों को लेते हुए और छोड़ते हुए, फिर से सांस को छोड़ता हुआ स्ट्रेच करेंगे यहाँ, और अपने दोनों पैरों को भी उठाएंगे यहाँ इस तरह से। ये हमारा स्टार्टिंग पोज है मित्रों। अब हमें मूवमेंट देना है, मोबिलिटी देना है, जिसमें कि हम अपने हाथ को यहाँ लाएंगे और अपर पार्ट को भी उठाएंगे और लोअर पार्ट को भी बैक टू सेंटर लाएंगे। तो आइए करते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ आपको स्टार्टिंग में यह ध्यान देना है, हमारे स्पाइन का जो नॉर्मल कर्व होते हैं, गैप होते हैं, इन्हें बने रहने देना है। ग्लूट को स्क्यूज करना है ताकि हमारे हिप टोनिंग हो सके। एब्डोमिनल मसल को पुल इन करना है ताकि हमारे कोर इंगेज हो सके। थाई मसल को इंगेज करना है ताकि यहाँ स्ट्रेंथ आ सके। प्यूबिक बोन को स्लाइटली पुश फॉरवर्ड करना है ताकि आपका पूरा कोर इंगेज हो सके। कोर इंगेज से ही हम अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों को इंगेज करते हैं मित्रों। यह हॉलो होल्ड जैक नाइफ आपके कोर को मजबूत करेगा और एक स्पोर्ट्समैन का लुक देगा। इसे आप 8-8 रेप्स का 3 सेट में कर सकते हैं। तो आइए आप हमारे साथ एक कंप्लीट सेट कीजिए ब्रीथिंग के साथ। जब हम शरीर को छोटा करेंगे तो एक्सहेल, और बड़ा करेंगे तो इनहेल। ये देखिए, ये हमारा स्टार्टिंग, और एक्सहेल करता हुआ छोटा, एक्सहेल 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 एक्सहेल। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे हमारे एब्डोमिनल मसल पर कितना जोड़ पड़ रहा, और यही जोड़ पड़ने से हमारे एब्डोमिनल मसल में स्ट्रेच आता है, वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और अल्टीमेटली हमारा एब्स मसल मजबूत हो जाता है।